साहब जी दे समय दा गुरु हरि साहब जी नूं ना कुछ सिखां ने सवाल कीता, कहिंदे महाराज सारा कुछ ठीक ठाक चलदा होवे, कहिंदे महाराज सारा कुछ ठीक ठाक चलदा होवे ते ओह कदी वी मतलब कोई काम विगड़े ही ना, ठीक ठाक चली जावे की करिए, हक साधना भी घर ठीक ठाक चली जाए, कारोबार ठीक ठाक चली जाए, परिवार ठीक ठाक चली जाए, समाज में सब कुछ ठीक ठाक चली जाए। गुरु हरि साहब केड़ा काम करिए कि सारा कुछ स्मूथली चली जावे, विघन पवे ही ना, कोई राह दे दियो, कोई काम विगड़े ही ना। बड़ा डूंगा वचन है, कोई काम विगड़े ही ना, केड़ा काम करिए कि सारा कुछ ठीक चली जावे। सुनियो गुरु हरि साहब जी ने गुरबाणी दियां चार पंक्तियां सुनाईयां, ओ पल्ले बन्नियो। आ तुसी सारे चाहते नहीं साडा परिवार सही चली जावे, साडी नौकरी सही चली जावे, कारोबार सही चली जावे, आला दुआला सही चली जावे, कोई काम विगड़े ही ना। महाराज कोई काम विगड़े ही ना, कोई राह दे दियो। ते गुरु हरि साहब जी ने उन्हां सिखां नूं चार पंक्तियां सुनाईयां, ओ सुनियो जी। प्रथमे तेरी निक्की जात, आखो सतनाम। प्रथमे तेरी निक्की जात, द्वितीये तेरी मनिए पात। इहदे की अर्थ ने, प्रथमे दे पहला कहिंदे तेरी जात कुल माण सन्मान भी पहली गल बहुत है, वधिया चल रहा है। दुतीये तेरी मनिए पात, पात कहिंदे इज्जत नूं। दूजी गल, तू एक आवाज दवे सौ बंदा हाजिर हो जांदा है, एक आवाज दवे पंजाह बंदे हाजिर, इन्नी तेरा पात इज्जत माण सदका। तृतीये तेरा सुंदर थान। तीजी गल गुरु हरि साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जो पंक्तियां सुना के जवाब दिता, तृतीये तेरा सुंदर थान, तेरी कोठी महल रहण वाली जगह भी बड़ी सुंदर, मान सम्मान भी बड़ा, कुल भी बहुत, सारी कृपा सारे पास्यों। एवं सुनियो बचन, गुरु हरि साहब कहिंदे ये सारा कुछ सही चली जावे, इज्जत भी बनी रहे, कोठियां महल भी बने रहे, परिवार भी मर्यादा च रहे। महाराज कहिंदे प्रथमे तेरी निक्की जात, द्वितीये तेरी मनिए पात, तृतीये तेरा सुंदर स्थान। गुरु हरि साहब कहिंदे एक चीज दा जे ध्यान रखे तेनू जिंदगी च चलदियां चलदियां कदी अपमान ना आवे, माण ना आवे, हंकार ना आवे, ते तेरी जिंदगी च कोई काम विगड़ेगा ही नहीं। ऐ सुनियो, प्रथमे तेरी निक्की जात, द्वितीये तेरी मनिए पात, तृतीये तेरा सुंदर थान। कहिंदे विगड़दा कदों काम, बिगड़ रूप मन में, बोलो सारे बिगड़ रूप मन में अभिमान। कहिंदे उदों विगड़दा जदों अभिमान आ जांदा, कहिंदे ओह गज के सतनाम। ये साडी जड़ है, जड़ निमरता। गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे सिक्खी दे बूटे दी जड़ निवरता। देखो इहनूं दूजे बन्ने ना खड़े हो, किन्नी बरीक सिक्खी है, कदी दम ना मारियो। असी ते कुछ भी नहीं, भाई गुरदास जी किन्नी नेड़े सी, किन्नी नेड़े, जिन्नियां वारां उचारदे सी सतगुरां नूं कागज ते लिख के लियांदे सी। एक बारी जो लिख के लिया भाई गुरदास जी ने, जे गुर सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे। कह दो सतना, फिर कह दो सतना। हम दसो जी मलेशिया किन्ने आपां च बैठे है, ऐ डींग मारन वाले किन्ने बैठे है। फलानी गल कोई नहीं जी, गुरु का भाणा मैं मनांगा, एक कदी डींग ना मारो, हर वेले बख्शिश मंगया करो, आखो सतना। ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡਬਲ ਐਵੇਂ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ, 12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟ ਪਵੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ 12 ਸਾਲ 12 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ।
ਪਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਟ ਜੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੂਟਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦਵਾਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਿਮਰਤਾ ਜੜ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਖਤਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੰਬੂ ਚ ਵੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਖੋਲਦੇ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਠੀਕਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੋਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਬਈ ਸਾਡਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡ 'ਚ ਕਹੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਇਆ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਜੇ ਗੁਰਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਟ ਜੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਡਟਣਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੋਹਰਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਡਟਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਗੁਰ ਪਰਮਾਏ ਸਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਟ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੀ। ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੇ ਗੁਰ ਪਰਮਾਏ ਸਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਜੜ ਭਾਈ ਜੜ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਈ ਜੂੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬੂਟੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਜੜ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਰਪਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਚ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਬਣੋ, ਦਾਸ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਜੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
अपने सिखी अपने प्यारे सिखा दे किरदार कैम रखन लई भेस भी बदलाना पिया। आखो सतना मलेशिया लियो भेस बदलाना सौखा ना समझो, बड़ा औखा काम है। फिर वो कलगिया आला जिदा आला दुआला एडा वड्डा हो, जिदे आसे पासे इन्ने हर वेले सिंह सूरमे फौजा, इधर आस है। गुरु गोबिंद सिंह ने वड्डा सारा खेसा बन लिया, वड्डा सारा ते चोला पा लिया, जोगी आकड़ मंडल फड़ लिया आपे। ओ ने क्यों फड़ लिया, क्यों भेस बदला लिया। सतारा लंगर चलते सी, सतारा लंगर आनंदपुर साहब, आखो सतना सतारा लंगर चलते सी, ते अज कलगिया वाले भेस बदला के तुर पे किस वास्ते। अज वेखना है केड़ा लंगर जेड़ा सत्संग जी होमे विच चला रहा, ते केड़ा लंगर निमरता जे चला रहा। गज के कह दियो सतना, इतिहास है साडा। और इन कोई सौखा काम ना समझे, बहुत औखा है आप भेस बदलाना ना, बहुत औखा है। यह गल कहनी तो नहीं चाहिए, पर चलो आप परिवार वांग बैठे हाँ। दास एक बारी दिल किया घंटा के जोड़े की सेवा करिए अमृतसर ना बाबा दीप सिंह स्थान। मैं अंदर चला गया जोड़े घर, भी जोड़िया की सेवा की हाजिरी लाइए। हूँ जेड़े जोड़ा लाण मैनू कोई जोड़ा ही ना दे, आखो सतना मैं जोड़ा फड़ा वो ना ही ना तुम कीर्तन करते हो, तुम जोड़े हाथ ना लाओ वो दूजे नू दे देन। मैं क्या गुरगपाल सिंह सानू जोड़ा ही कोई नहीं देता। मैं जी अपनी जेब चो रुमाल कढ़िया, चलो खाने चो चरण धूड़ी, क्योंकि ये भुख लगती है जेडे थोड़े चो गुरसिख बैठे उन्होंने भुख लगती है, तरसते ने सेवा। आखो सतनाम ते मैं मन च सोचा भी ये कोई जोड़ा ही नहीं देता, बी वो कहते कीर्तन कर दो, कीर्तन को माण देंगे भी तो जोड़े को हाथ लाइए नहीं जो दूजे को लैन दो। तो एक बारी मेरे न बीती उ गुरद्वारा है अमृतसर के बिच सात संगत बाजार लुहारा बिच, तो कुदरती मैं भुख लगी। मैं क्या 15-20 मिनट समाप्ति हो गई सी, तो मैं क्या लंगर वरताइए। मैं वो प्रशादियां की टोकरी फड़ ली, ते दास लंगर वरतान लग पिया। वाहिगुरु प्रशादा जी, वाहिगुरु प्रशादा। वो जिन्हों एक प्रशादा चाहिए दो दो ले आए, जिन्हों दो चाहिए, जिन्हों नहीं लोड़ो भी उस गुरुद्वारे के जेडे बीबी जी ने मुखी भैन जी ने उन्हें मेरी बांह फड़ ली, कहिंदे कोई होर काम कर लो तुसीं ते प्रशादे मुका देने साडे। मैं क्या यार जे जोड़ियां दे बैठदे आ सेवा करदे आ कोई जोड़ा नहीं देंदा, जे प्रशादियां दी सेवा करदे आ जिन्हों नहीं लोड़ो भी लई जांदा। इह मेरे नाल बीती जे ये गल्लां कहणियां नहीं चाहीदियां, पर मैं आप जी नूं एक गल कर रहा प्यो की वड्याई। दास ने मन का फुरना बनाया। मैं क्या भी होर तरह की दस्तार सजा लैनी है, होर तरह के थोड़े कपड़े पा के, ते दिल करदा गोइंदवाल दो तीन दिन रहना, उसे कमरा ले लीए गोइंदवाल, बहुत संगत आती जाती, तो चलो उ लंगर की भी सेवा करते हैं, जोड़े घर भी सेवा करते हैं, भी एहोजा पहरावा कर लैने किसी पता ही ना लगे, तो अपना रस ले जाइए। पर साध संगत जदों दास ने किया, मैं गुरु की धूरी च कह रहा जी, एक घंटा नहीं दास टिक सकया। उस वेले कलगी धर दे चरणा ते नमस्कार की, मैं कह सतगुरु निगाह जा दायरा असी भेस नहीं बदला सके, तुसी एडे वड्डे दायरे दे विच तुहाडे वर्गे तुसी हो, आखो सतनाम। ये महाराज ने भेस बदलाया किस वास्ते, चेक करदे सी मेरा सिख कित्थे क पहुंचे है। सतारा लंगर चलते सी, सतारा लंगर जदों पहले लंगर च गए महाराज दस का टाइम सी भी प्रशादा छकना है, उन्हें वो सारे हस पे, हुण जोगिया कपड़े पाए है सिर ते खाशा बन्ने है, वो जिहड़े लंगर जिन्हां दा चल रहा सी सतारा लंगर सी, वो हस पे आपां जिवें टिक्चर हुंदी, कहिंदे बाबे नूं हुणे भुख लग गई। आखो सत, कहिंदे बाबे नूं हुणे भुख लग गई, अजे 10 बजे है बाबा, अगे जा अगे 12 बजे लंगर खुलेगा उदों आ जाई मिल जाऊगा। कलगी धरने अपने हिरदे विच काटा पाता काटा, लंगर ते चला रहे ने आनंदपुर साहब, पर अजे इन्हां नूं निमरता नाल नहीं चलाउणा। आखो सतनाम। दूजे लंगर च गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज, भाई प्रशादा छकना, हुण भेस बदलाया कड़मंडल हथ विच, ते ओ अगों की कहिंदे, कहिंदे बाबा 12 बजे लंगर खुलेगा, पहले साढ़े मेन बंदे छकणगे फिर तेरे वर्गियां दी वारी आऊगा। आखो सतनाम। हुण जा के ते घंटा दो घंटे लाया कलगी धर महाराज ने, उत्थे भी काटा वाता हिरदे च लंगर ते चला रहे, पर जेड़ी चीज मैं चाहना संगत वास्ते निमरता अजे नहीं आई। आखो सतनाम। इतिहास है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों लंगरां चों जांदे जांदे
ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚ ਗਏ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਗਏ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਕੜਮੰਡਲ ਚ ਕੱਚਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੱਚਾ ਲੰਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਐ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੀਰ ਚ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਿਓ ਵੱਖਰਾ ਚੋਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਦਾਲ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਿਓ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਰਾਇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਆਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ ਜੜ, ਔਰ ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜੜ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਲੱਗ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੂਟਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਊ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਗਲਾ ਬੂਟਾ ਆਪੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੀਜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਟਾਣ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਆ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਫਿਰ ਆ ਜੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਬੂਟੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਹੁਣ ਟਾਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਟਾਣ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ, ਟਾਣ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੂੜ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਟਾਣ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਟਹਿਲ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਥੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਾਣ ਨੇ ਟਾਣ। ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਲਓ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਟਾਣ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਟਹਿਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, 2:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਤੌਲੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੇ, ਰਮਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਤੌਲੀਆ ਗਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ? ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੀਡੀਆਂ ਸੁਣ ਲਏ ਆਪ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ?
महाराज कहंदे ताला उस घर च लगदा जदों कोई घर च ना होवे, जदों कोई घर च ही होवे तो ताला नहीं लगदा। साडी भावना गुरु रामदास घर च ही ने, आखो सतनाम। हर और भी चलो हुण इधर ना जावां, फिर समा लग जू, उत्थे आ जाओ। सिखी दे बूटे दे टाण सेवा ते टहर, अथी सेवा कि अपनी सारी संगत दा फैसला करो। हफ्ते दो वारी कर लो, तीन वारी कर लो, 15-20 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे बर्तन मांज लो, तौलिया ला लो, झाड़ू की सेवा कर लो, जोड़ियां दी कर लो, इहदे नाल मन नीवा हुंदा। दूर की जाना है? गुरु अर्जन देव जी तो वड्डा कौन होएगा? चंदोए थले बहिंदे ने तखत बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खेले चंदोआ। चोर साहब हो रही है गुरु अर्जन देव जी नूं, चंदोए थले बैठे बैठदे है। वड्डियां सेवावां, वड्डे पातशाह वेखो साडे लई पूर ने। गुरु अर्जन देव जी चंदोए थले बहिंदे, चोर साहब हो रही है। पर जदों 10 वजदे ना सवेर दे, पढ़े इतिहास, जदों सवेर दे 10 वजदे ते तुहाडा प्यो किथे जांदा है दसो? जदों 10 वजदे हैं ते दवाइयां दी ट्रे लैंदे हैं, नाल 3-4 सिख लैंदे हैं, ते किथे जांदे 10 वजे? तरन तारन दे कोड़ खाने गुरु अर्जन देव कोड़ियां दी आप हथी सेवा करदे। आखो सतनाम। आ साडे लई पूरने ने ये सेवा ते टहल, ये साडे टाण ने। आ सारी संग चैक करो, जड़ लगी है जिहड़ी तीजे दवान ते सां, हुण चैक करो टाण निकल आए अपने के नहीं। हथी सेवा है, जिथे मर्जी तुहानू गुरु पहुंचा देवे, वड्डे तो वड्डे ओहदे ते पहुंचा देवे, पर गुरु घर दी जिहड़ी हथी सेवा जरूर हफ्ते 2-3 वारी हाजरी लाया करो। आखो सतनाम। आ इक पंक्ती गुरु साहिब ने अगे लियांदी है, इक वारी जिहड़ा वीर बोलियो अटाणा बारे, सिक्खी दे टाण, इक वारी भैणा बोलियो जी सारियां। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ। देख लो बाणी कह रही है की मिलेगा जी, तां दर के पैसण पाईए, तां दर के ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਬੀਤਿਆ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਵੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਲਇਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਡੇਢ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਪ ਧੱਪ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1:30-2 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਵਜੇ
बाबा ठाकुर सिंह जी 6 बजे जिन्हें विद्यार्थी डेरे दे दमदमी टकसाल वो जिन्ने स्थान ते विद्यार्थी कोई संथिया लैंदा है, कोई सूरज प्रकाश की संथिया लैंदा है, कोई दसम ग्रंथ की संथिया लैंदा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब की संथिया लै रहा है, कोई सात संग जी होर जोड़ी दी बाजे दी वो विद्यार्थी सारे ते उस वेले बाबा ठाकुर सिंह जी आप मुखी ते ए मैं आप उन्होंने दसिया थोड़े शहर ये चीज गुण काम आवे। एक सवा एक उठना जो भी विद्यार्थियों उठाना दो ढाई सारा जप तप करा 6 बजे सारे विद्यार्थियों की पंगत लवानी पंगत ते बाबा ठाकुर सिंह जी ने आप सात संगत प्रशादा आप वंडना दुध आप वंडना जो भी पदार्थ कोई खीर या कोई चीज आप वंडनी किसी ने कहता बाबा ठाकुर सिंह जी तुसी महापुरुष हो यह विद्यार्थी है तुसी बैठो ये छकान गज के आखो साधना तुसी बैठो ये छकान ये विद्यार्थी है ते तुसी आप छका रहे हो मैनू हिला के रखता जवाब ने बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरुषां दे किसी ने कहता जी तुसी बैठो सगो ते ये छकान तुहानू तुसी इन्हां विद्यार्थियों 40-50-100 विद्यार्थी तुसी इन्हां नू आप हथी बाबा ठाकुर सिंह दे अखां विच नेत्रां च जल आ गया ते कहण लगे मैं इन्हां दी जिहड़ी छका रहा ना ये विद्यार्थी समझ के नहीं छका रहा सुने उन्हें जवाब दिता कहिंदे मैं विद्यार्थी समझ के नहीं छका रहा मैं जिहड़ा ये छका रहा खालसे की सेवा कर रहा आखो सतनाम ये मैं खालसे की सेवा आ वेखे आ सीखी है एक महापुरुष दे विद्यार्थी ने ते ओ आप हथी उन्हां नूं छका रहे ने ते भावना की बना रहे ने खालसे की सेवा कह रहे हो गज के सतनाम जिन्नियां बीबियां बैठियां जिन्हें वीर बैठे अज एडी बैटरी चार्ज करके जाओ एटान सानू भी लगन एटान ने हथी सेवा का शौक आना हथी जड़ा है सेवा ते टहल साडा गुरु अर्जन देव मालक होवे ते कोड़ियां दे आप जखमां ते सात संगत दी सेवा करे आखो सतनाम बाबा ठाकुर सिंह जी आप सात संगत महापुरुष ते विद्यार्थियों की सेवा खालसा समझ के कहंदे ने खालसे की सेवा भी मेरी भी रोज हाजरी लग जाए आखो सतनाम जिन्हियां भैणां वीर बैठे कोशिश करो हफ्ते च 2 दिन 3 दिन कोई कीर्तनी है प्रचारक है कुछ भी है एक मन च धार लो जेड़ी भी विद बने भावें 15 मिंट 2-3 वारी हफ्ते 10 मिंट 20 मिंट जिन्नी तुहानू गंजायश होवे वाहिगुरु जपदिया कोई गुरु घर की सेवा हथी कर लो 6वें पातशाह कहते समझ लो टाण लग गए आखो सतनाम टाण लग गए भाई टाण ये सारे जरूर कृपा करो तो करो भावना ना जिवें बाबा ठाकुर सिंह दमदमी टकसाल के महापुरशा ने इन्नी गल कही ना मैं विद्यार्थी समझ के नहीं खालसे की सेवा तुसी भी इंज ही करो ये मेरी बेनती है कभी किसी मेरे वीर नूं जोड़ियां दी सेवा करन दा मौका मिले ना ते जुगती जे कभी किसी वीर नूं जोड़ियां दी सेवा दा समां मिले जदों जोड़ा फड़दे हो ना जे जोड़ा आ जाए ना हाथ च जेंट्स भाई दा ते उस वेले इन्नी भावना नाल उहदी रुमाल नाल पालश नाल बुरश नाल सेवा पता नहीं है बाबा बिधी चंद का जोड़ा के बाबा बुढ़ा साहब का आखो सतनाम पता नहीं संगत केड़ियां केड़ियां रूह आई हुई है जे किसी बीबी का जोड़ा हाथ आ जाए तो इतना सेवा करो पता नहीं बीबी कौलों का जोड़ा के माता गंगा का जोड़ा के बीबी वीरों का जोड़ा गज के आखो सतनाम जे कोई जोड़ा आ जाए बच्चे का हथ तो एड्डी भावना बनाओ पता नहीं साहबजादा जोरावर सिंह का जोड़ा के साहबजादा फतेह सिंह का जोड़ा थोड़ी तो सेवा की दरगाह च मोहर लग जाए आखो सतनाम भावना ही सब कुछ है प्रतीत ही सब कुछ है इन और वेरवे च नहीं क्योंकि 5 मिनट रह गए सारे यतन है ये प्रकरण पूरा हो जाए ये हम सारे चेक करो कि टाण लगा के नहीं महाराज कहते सिखी की जड़ है निवरता सिखी दे टाण ने सेवा दे टैल हम मलेशिया वाले दसो टाण तो बाद की लगता है पत्ते लगते आखो सतनाम हम पत्ते सुन लो सारे ते अपने आप चेक करो पत्ते लगे कि नहीं ये गुरु हरगोबिंद साहब का वचन है कि होता नहीं गुरु हरगोबिंद साहब कहते बूटे के दर्शन करने जी महाराज महाराज कहते सिखी दे बूटे की जड़ है निवरता सिखी दे बूटे दे टाण ने सेवा ते टैल पत्ते सुने हो
महाराज गुरु हरगोबिंद साहब कहते सिखी दे बूटे दे पत्ते ने साध संगत करनी, आखो सतनाम आ संगत करनी, ये शौक पैदा करो, संगत करने का शौक पैदा करो, इत्थे ही सब कुछ जे आखो सतनाम। ये मैं दस नहीं सकता, इन वेरवे च नहीं खड़ता, समा हो गया। मतलब गुरु नानक ने संगत विच इन्नी बख्शिश भरी हुई जे, इन्नी बख्शिश भरी जे, जितनिया संगत बैठिया जे पूरा यतन करो, जिनी लाइफ है मूह विचों कोई एहोजा लफज ना निकलावे कि संगत विच किसे दा दिल टुट जावे, आखो सतनाम। ये बाबा नंद सिंह जी का बचन जे, बाबा जी का एक बचन भी अजाया नहीं हुंदा, ये बाबा नंद सिंह जी का बचन जे कहिंदे जिन्हें गुरु की खुशी लैनी होवे संगतां दी खुशी लै लवे, गुरु दी खुशी उहदे घर आपे ही आ जांदी, आखो सतनाम। संगत दा इन्ना सत्कार माण। अगर ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी नूं पढ़ो, ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कहिंदे, उहनां दे मैं बचन पढ़े, कहिंदे संगत दा इन्ना सत्कार करना चाहीदा जदों संगत च आवो। यह ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दा बचन है, कहिंदे जदों संगत च आवो होमे की जुत्ती बार ला के आवो ते निम्रता की पग बन के आवो। होमे की जुत्ती बार ला के आवो ते निम्रता की पग बन के आवो। ये पत्ते ने, पत्ते लग गए संगत करनी, इनू निम्रता विच जदों संगत प्राप्त होवे शुक्र है तेरा सत्संग मिलिया, आखो सतनाम। ये निम्रता की पग बन के आया करो संगत, गुस्सा ना करो। साढ़े अमृतसर एक प्रोग्राम सी, ते एक सज्जन वाहवा वड्डा बंदा सी, मैं चलो कुछ ये नहीं कहना लीडर सी कौन सी, काफ़ी वड्डे उहदे दा बंदा सी, वो घड़ी मुड़ी घड़ी वेखी जावे, घड़ी वेखी जावे। मैं माड़ा पुछ लिया कीर्तन कोई होर कर रहा सी कथा, मैं कहा की गल घड़ी वेखी जा रही, कहिंदा मेरे को तो टाइम ही नहीं, मैंने तो 15 बारी प्रबंधकां ने फोन किए, मैं तो आया, आखो सतनाम। मैं क्या हद हो गई, आया है संगत विच पर निम्रता दी पग नहीं, कहिंदा मेरे को टाइम नहीं, शुक्र करो मैं संगत च आया, गज के आखो सतनाम। ये पढ़ाई है संगत च आके निम्रता दी पग बन के आना, होमे दा जोड़ा बार ला के आना, आखो सतनाम। ये सिखी दे बूटे दे पत्ते ने संगत करनी, संगत करन दी भुख लगनी। हुण अगे आ जाओ जी, गल पूरी हो जाए, जदों पत्ते लग जाण फिर उस तों बाद की लगदा है जी, बोलो जी, फुल लगदा, आखो सतनाम। छेवें पातशाह कहिंदे सिखी दे बूटे दा फुल, सिखी दे बूटे दा फुल है शब्द नूं समझणा ते निरवैर हो जाना, आखो सतनाम। थोड़े रा झाती पायो, फुल लगा के नहीं, एक एक चीज थोड़े माइंड च सामने आई जाओ, कोई बहुती डूंगियां गल्लां नहीं, बच्चा भी समझ सके, सरल भाषा विच गल हो रही आप जी। सिखी दे बूटे दा फुल शब्द नूं समझना ते निरवैर हो जाना, पाओ झाती सारे, लग गया फुल के नहीं। आ 19 जथे ने बीबी कौलां जी भलाई केंद्र दे ना, 19 जथे सारे सतगुरां दी कृपा नाल निष्काम ने, ते उहनां जथिआं नूं मैं कई वारी पुछदा रहिंदा वी थोड़ा वेखीदा वी चलो कित्थे कै, ते एक जथे दे ना विचकारले मुंडे नूं मैं पुछिआ, मैं कहा की हाल है, मिलदे असीं आपां च घट आ, हर कोई प्रोग्रामां ते रहिंदा, मैं कहा की हाल है, ते मैनूं कहिंदा किहड़ा हाल दस्सां, अंदर दा कि बाहर दा, कहिंदा अंदर दा दस्सांगे बाहर, मैं कहा नहीं अंदर दा ही पुछिआ, बाहर दा ते रिश्तेदार पुछदे आ, बाहर दा या ते आपां रिश्तेदारां च पुछदे आ, हां भैण जी की हाल है, मासी दा की हाल, फलाणी दा की हाल, अंदर दा हाल ते कोई कोई पुछदा, आखो सतनाम। एक साडे अंदर वी देश वसिआ होइआ है, अंदर वी संसार है। एक जथे दे मुंडे नूं पुछिआ, मैं कहा की हाल अंदर दा, वी बाहर दा नहीं अंदर दा, सुणिओ बचन काम आउण वाला जी, मैनूं कहिंदा 1.5 महीना होया ठीक होया, पहले बुरा ही सी, आखो सतनाम। कहिंदा 1.5 महीना होया अंदर दा हाल ठीक होया, पहले माड़ा ही सी। मैं कहा की गल समझ नहीं लगी, बड़ी डूंगी जी गल कर गया, 1.5 महीना होया ठीक, पहले माड़ा ही सी। उहने गल दसी, दास नाल खुली गल कर लैंदे क्यों अपने सारे प्यार च, कहिंदा 1.5 महीना होया ठीक होया, उस तो पहले अंदर माड़ा ही सी। मैं कहा किवें, कहिंदे 1.5 महीना पहले मेरे अंदर दा यह हाल सी, कोई चंगा कीर्तन कर जावे, वेखो ने अपनी अंदर दी गल दसी जे तुसी चैक करियो, कहिंदा कोई चंगा कीर्तन कर जे, कोई चंगी कथा कर जे, चंगा कीर्तन कर जे,
मेरे अंदर अग लगनी शुरू हो जाती सी, अगे क्यों निकल गए आखो सतनाम। देखो उन्हें सच्चाई दसी, कोई बंदा है चंगा कीर्तन कर गया, समा बज गया, कहते अंदर अग लगनी शुरू हो जानी, ये अगे निकल गया। कहते मैं अरदासा कीतिया गुरु रामदास जी, ना मेरा कुछ लेना ना ये कुछ देना, आ फालतू अग लग गई, कृपा करो मैं किथे फसी जा रहा। आखो सतनाम। आ मलेशिया लियो, आ जरा फुल है ना, फुल निर्वैर हो जाना, गल ओदी कर रहे हैं, शब्द नु समझना ते निर्वैर हो जाना, ये फुल है। ये फुल बारे बाबा नंद सिंह जी का बचन है, तुसीं चेक कर लियो, बाबा नंद सिंह जी का बचन है, कहिंदे इहो जिहा समा आ जाएगा, इहो जिहा समा आ जाएगा, कई लोग धरती ते, सुन लियो, कई लोग धरती ते अपने दुख तो इन्ने दुखी नहीं होणगे जिन्ना किसे नु सुखी वेख के दुखी होणगे। आखो सतनाम। आओ सारे झाती इहदे विच ते नहीं फसे होए, कई वारी सानू दुख नहीं हुंदा, दूजे का सुख साडा दुख बन जांदा, आ बड़ा वखत है। आखो सतनाम। ओ कीर्तनिया ने जदों मैनू कहा, ओ जदों कीर्तनिया ने दास नू कहा इस गल दे बारे के डेढ़ महीना पहले हाल माड़ा सी, कोई चंगा कीर्तन कर जे ते मैनू फिर उस वेले कुछ होना शुरू हो जाता सी, अग लग जाती, ते मैं क्या फिर किवें कहंदे अरदासां कीतियां, गुरु रामदास ये अग चों कढो, फालतू अग लगी। सुनियो कीर्तनिया ने दस्या, कहंदे डेढ़ महीना होया गुरु रामदास जी ने सुन ली, सुन ली। मैं क्या हुण किवें सुन ली, की होया हुण? कहंदा हुण इन्नी कृपा हुई अंदर, कहंदा पीटीसी चैनल तो जिस नवे जत्थे दी ऐड वेखदा ना, कई नवे जत्थियां दी ऐड आउंदी है, कहंदा पीटीसी चैनल तो जिस नवे जत्थे दी ऐड वेखदा हुण 7 दिन एक पाठ जपजी साहिब दा उहदे नां दा करदा, गुरु रामदास ऐ जत्थे नूं ही चढ़दी कला बख्शो। देखो इहनूं की कहोगे, फुल लग गया। आ सारे चैक करो, ये सिक्खी दे बूटे दा फुल है, समा हो गया, सिखी दे बूटे दा फुल तो बाद की लगता है फल। आखो सतनाम। हुण इहनूं बोल के लंघ रहे हां, सिखी दे बूटे दा फल ए जगत बिनसन हार नजर आउणा शुरू हो जाणा। आखो सतनाम। ए सारे झाती पाओ भई फल लग गया कि नहीं, फल है लास्ट, जगत बिनसन हार नजर आउणा शुरू हो जाणा, बड़ा प्यारा फल जे। इहनूं कहिंदे मौत याद रहनी शुरू हो जाणी। आ वैसे झाती पा लियो, मैं गुरु की हजूरी कहना जिन्हों मौत याद है वह कभी किसी की निंदा नहीं करूँ। आखो सतनाम। जिन्हों मौत याद है वह तो खलेरे नहीं पाएगा, जिन्हों मौत याद है सात संगत कभी नितनेम नहीं छूगा। यह फल है, फल जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो जाना। आओ सचे पातशाह कृपा करन, दो हाजरियां होर ने गुरमुख प्यारे आप जी नूं दस देणगे। यह गुरु हरगोबिंद साहब ने भाई झूठ जी नूं सिखी दे बूटे दे फुल सारे बूटे के दर्शन कराए, ते 9:30 तक ही समा सी, समा पूरा हो गया। आओ सारी संगत बड़े प्यार दे नाल एक बारी अंदरों बोल दे पंक्तियां, फिर चारे जत्थे गुरु के लाल गुरु कियां प्यार वालियां गुरमुख रूहां तुहाडे दर्शन करन आ रही हैं। बोलो सारे कृपा करियो जी, ऐसा गुर वड भागी पाया, बोलो जी जी। हाँ हाँ